तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के क्रिएशन से पहले इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे, मतलब टॉप 10 ओल्डेस्ट पोकेमॉन ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड। अब मैं इस वीडियो को शुरू करूं, बट उससे पहले तुमको बता दूं कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने बल्बापीडिया वेबसाइट से जमा करी है, और तुमको ही पता है कि बल्बापीडिया पोकेमॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें जितने पोकेमॉन होने वाले हैं वो पोकेमॉन की हिस्ट्री के ऊपर बेस होने वाले हैं, पोकेमॉन के इतिहास के हिसाब से कौन सा पोकेमॉन पहले आया था। अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो नंबर वन पे आता है आर्केस पोकेमॉन। अब आर्केस यहाँ पर है पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है और ऑलमाइटी पोकेमॉन है, और ये फर्स्ट पोकेमॉन था जो कि एग्जिस्टेंस में आया। अब पोकेमॉन की हिस्ट्री के हिसाब से जब पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं था, हर तरफ घना अंधेरा था, तब वहाँ पे एक अंडा आता है और उस अंडे से निकलता है आर्केस, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का पहला और सबसे ताकतवर पोकेमॉन बनता है। नंबर टू, क्रिएशन ट्रायो, यानी कि डियाल्गा, पालकिया और गिराटिना। अब देखो, ये तीनों पोकेमॉन को एक साथ ही आना था, क्योंकि आर्केस के पैदा होने के बाद आर्केस ने सबसे पहले इन्हीं तीन पोकेमॉन्स को बनाया था, यानी कि डियाल्गा, पालकिया और गिराटिना, और उसने इन तीनों को अलग अलग पावर दी थी, यानी कि डियाल्गा को टाइम, पालकिया को स्पेस और गिराटिना को एंटी मैटर पावर दी थी। अगर बात करें इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स क्रिएशन की थी। एंड नंबर थ्री पे आता है हूपा पोकेमॉन। अब हूपा नंबर थ्री पे इसलिए आता है क्योंकि जब डियाल्गा और पालकिया साथ में मिल करके पोकेमॉन यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे थे, तब डियाल्गा ने एक पोकेमॉन को बनाया था जो कि था हूपा। देखो, हूपा यहाँ पर डियाल्गा की क्रिएशन थी, इसलिए परफेक्ट पोकेमॉन नहीं था, इसलिए डियाल्गा ने हूपा को वहीं छोड़ दिया था। नंबर फोर, कॉस्मोग पोकेमॉन। अब जैसे मैंने तुमको बताया, जब पोकेमॉन के यूनिवर्स को डियाल्गा और पालकिया बना रहे थे, तब अलग अलग प्लैनेट्स के आसपास कॉस्मोग नाम के पोकेमॉन भी बनते जा रहे थे, और यही पोकेमॉन आगे जाकर के कॉस्मम में इवॉल्व होते हैं, और वही कॉस्मम आगे जाके सोलगैलियो और नुलाला बनते हैं, यानी कि उस प्लैनेट के सन और मून बनते हैं, और इन्हीं साथ नेक्रोज्मा भी उसी टाइम पे एग्जिस्टेंस में आया था। एंड नंबर फाइव, मैस्फेरेट, अजल्फ और युक्सिस पोकेमॉन। अब ये लेक गार्डियंस का ट्रायो है। ये तीन पोकेमॉन्स को बनाया था तो आर्केस ने बनाया था ताकि ये तीनों पोकेमॉन्स पोकेमॉन वर्ल्ड में जाकर के हर पोकेमॉन के अंदर इमोशन, विल पावर और स्ट्रेंथ जाके बांट सके। नंबर सिक्स, रेक्वेजा, कायोग्रे एंड ग्राउडॉन पोकेमॉन। अगर बात करें बेसिकली, तो यहाँ पर ग्राउडॉन और कायोग्रे पहले आए थे। अब तुमको पता है ये तीनों पोकेमॉन वेदर ट्रायो के हिस्सा है। यहाँ पर ओशन के अंदर जब पानी का प्रेशर बढ़ गया था, तो वहां पे जन्म होता है कायोग्रे पोकेमॉन का, और जब अर्थ पे मौजूद जो वोल्केनोस थे उनके अंदर लावा के अंदर जन्म होता है ग्राउडॉन पोकेमॉन का। और एक टाइम ऐसा आता है जब कायोग्रे और ग्राउडॉन दोनों पोकेमॉन आपस में लड़ने लगते हैं, उनको शांत करने के लिए जन्म होता है रेक्वेजा पोकेमॉन का, और पोकेमॉन वहां पर आ करके उन दोनों को शांत करता है। नंबर सेवन, म्यू नंबर सेवन पे इसलिए आता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोकेमॉन हिस्ट्री, ग्राउडॉन ने अर्थ पे लैंड को बना दिया था जा करके वो अर्थ ह्यूमंस के रहने लायक बनी थी, और तभी वहां पर पे म्यू एग्जिस्टेंस में आया था। नंबर एट पे आता है जायगेट, एक्सर्नियस और येवेल्थर पोकेमॉन। इन तीन पोकेमॉन्स को फिर से खुद आर्केस ने बनाया था। ये तीनों पोकेमॉन्स कैलॉस में थे। यहाँ पर जो येवेल्थर था डेथ को कंट्रोल करता था, जो एक्सर्नियस था वो लाइफ कंट्रोल करता था, और जायगेट वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करता था। नंबर नाइन, अब इन सब होने के बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पे रेजिगिगस नाम का एक पोकेमॉन आता है कि ग्राउडॉन के द्वारा बनाई गई सारी जमीन को तोड़ करके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बढ़ा देता है। अब क्योंकि रेजिगिगस इन सब के बाद में आता है, इसलिए वो नंबर नाइन पे आता है, और उसी के बाद रेजिगिगस ने कुछ अलग अलग एलिमेंट्स का यूज करके और सारे के सारे रजी पोकेमॉन्स को बनाया था, जैसे कि रजी रॉक, रजी स्टील, रजी आइस, रजी ड्रैको और रजी इलेक्ट्रिक। नंबर 10, तो नंबर 10 पे आता है हीटन पोकेमॉन। अब जैसा कि मैं तुमको बताया, जब रेजिगिगस ग्राउडॉन के द्वारा बनाए गई जमीन को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बांट रहा था, तब उस प्रोसेस के दौरान जन्म होता है हीटन पोकेमॉन का। आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर तुम चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर दो ऑल पे सेट, ताकि तुमको फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।